रामनवमी के मौके पे नीतीश कुमार जी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो हम भतीजा हैं तो पूछ लिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरेंसिक। करीब 2-2.5 साल पहले तेज प्रताप यादव ने अपने घर यानी कि राबड़ी हाउस के अंदर से एक हाथ में एक पेपर लिए हुए लिखा था नो एंट्री नीतीश कुमार। उसके बाद 2-3 दिन पहले तेज प्रताप यादव रामनवमी के मौके पर फिर से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि एंट्री नीतीश कुमार। इसके बाद और आज जब हमने ये सवाल किया तेज प्रताप यादव से, आखिर आपने जो ट्वीट किया एंट्री नीतीश कुमार, उसका मजमून क्या है, तो सबसे पहले वो बयान सुनिए तेज प्रताप यादव का, जिसमें एंट्री नीतीश कुमार का मजमून जो है वो तेज प्रताप यादव सुना रहे हैं। क्या हमने बोर्ड लगाया था नीतीश कुमार जी का नो एंट्री का, तब उनके दिमाग में अगर घर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ठीक, वाह, ठीक, ये हानिकारक पदार्थ जो है आज हमारा, हमने कल रात में ट्वीट किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरीके से शराब को बंद करने में और बढ़ा रहे हैं और शराब बंद हो नहीं पा रहा है, जिसका कारण कि शराब मिल रहा है सब जगह, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों तमाम लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि जिस तरीके से शराब बंद किया गया है उसी तरीके से ये जो हानि जो पहुँचाता है, जिसे कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, रजनीगंधा है, ये रजनीगंधा और लोग तुलसी लोग खा रहे हैं। बहुत लोग को हम देख रहे हैं कि रजनीगंधा और तुलसी पे फोकस करते, ये जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है ऐसे पदार्थ को भारत से बैन लगना चाहिए, इसलिए बैन लगाने के लिए हमने अभियान को अभी चलाने का काम किया है। लेकिन किस प्रकार रजनीगंधा में तो जीरो निकोटीन होता है, नहीं तो इससे माउथ कैंसर भी तो होता है, देखिए तो वो तुलसी से ना, अगर खाली नहीं रजनीगंधा तुलसी। अच्छा, आपके घर में आपकी मिसेज खाती हैं रजनीगंधा? नहीं खाती हैं? नहीं आप बोलिए, मैं स्पष्ट क्लियर बात बताइए, आप खाते हैं रजनीगंधा तुलसी? नहीं खाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बेकार चीज़ है, इसलिए सवाल क्यों करते हैं आप? ये हम कह रहे हैं कि इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी नशीला पदार्थ है, अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का विवाह हो रहा था तो वो रजनीगंधा तुलसी खा के विवाह मंडप पर बैठा और दुल्हन आई, देखिए रजनीगंधा तुलसी, शादी खत्म हो गया, टूट गया। तो इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं, रजनीगंधा जितना भी भारत में नशीला पदार्थ है उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे प्रेस वार्ता आप लोग को बुलाने का काम किया। मतलब अम्बेडकर जयंती के मौके पर आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं बिहार में, देश में और खैनी पूरे देश में? हाँ, देश में, पूरे देश में जितने भी नशीला पदार्थ है, हम जानते हैं कि आप बात को कहाँ घुमाना चाह रहे हैं, हम आपके बहकावे में फंसेंगे नहीं, तो इसलिए ये जो है जितना भी नशीला पदार्थ है किसी भी तरीके का, शराबबंदी काफ़ी नहीं है? शराब तो मिल तो रहा है, लेकिन हमारा काम है इसको उठाना, दिस इज माई ड्यूटी, तो हम इसको जो है इसका विरोध करने का काम किए हैं, इसीलिए इसको भी बैन लगना चाहिए। हम नीतीश कुमार जी से और केंद्र सरकार से दोनों को हम बाकायदा। यह तेज प्रताप यादव जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर मेरे चाचा यानी कि नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा था, जिसके चलते उन्होंने रामनवमी के मौके पर एंट्री नीतीश चाचा का ट्वीट लिखा, यानी कि कुल मिला कहें कि तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाएं। यानी खुले तौर पर तेज प्रताप यादव का आज बड़ा बयान आया, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो उनके तरफ या आ जाएं। तो कुल मिला कहें जिस तरीके का सिनेरियो बिहार एनडीए में चल रहा है, मुकेश सहनी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने खेमे में किया, बोचहा सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार लड़ाए और आज चुनाव मतदान भी बोचहा सीट पर हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए में खटपट हुई, मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बीच तेज प्रताप यादव का यह कहना कि चचा नीतीश कुमार जी आप हमारे गठबंधन यानी कि हमारे खेमे में आ जाइए, बहरहाल ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता दिख भी नहीं रहा, लेकिन ऑफर्स जो हैं नीतीश कुमार को समय समय पर तेज प्रताप यादव के तरफ से मिलता रहता है। तेज प्रताप चाहते हैं कि चाचा नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाएं। हाँ, हालांकि अगर आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन हाँ समय समय पर इससे पहले भी 2-3 दफ़ा तेज प्रताप यादव खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि चाचा के लिए दरवाजे जो हैं वो महागठबंधन में खुले हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।